दोस्तों, भेड़िया मानव के बारे में तो आपने भी कई मूवीज में देखा और सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भेड़िया मानव एक प्रकार का भेड़िया और इंसान दोनों का मिक्सचर रूप होता है। उसका पूरा शरीर एक भेड़िये की तरह होता है और वह इंसान और भेड़िये दोनों की तरह चल सकता है, लेकिन वह इंसानी भाषा को नहीं जानता और वह सिर्फ मांस खाता है। अन्य भेड़ियों की तरह उसे भी शिकार करना काफी ज्यादा पसंद होता है। भेड़िया मानव दिखने में तो खतरनाक होता है और इसके साथ ही इसका शिकार करने का तरीका भी काफी खतरनाक होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे भेड़िया मानव से जुड़े रहस्य के बारे में और जानेंगे भेड़िया मानव से जुड़ी सच्ची घटनाएं जो इस ओर इशारा करती हैं कि भेड़िया मानव सच में हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो यार, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भेड़िया मानव का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि भेड़िया बनने की क्षमता रखता है, या फिर जो इंसान के जैसा दिखने वाला भेड़िया हो। अंग्रेजी में भेड़िया मानव को वेयरवुल्फ के नाम से जाना जाता है। भेड़िया मानव कुछ ऐसे लोगों को कहा जाता था जो पूर्णिमा की रात पूरे चांद की रोशनी को देखकर बेकाबू हो जाते थे और जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। उनका मन मांस खाने को करता था और वो निकल पड़ते थे शिकार पर। ऐसा माना जाता है कि भेड़िया मानव इंसान ही होते थे जो कि भेड़िये के अंदर बदलने की क्षमता प्राप्त कर लेते थे। प्राचीन ग्रीक और पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है। हेरोडोटस ने अपने इतिहास में लिखा है और न्यूरी नामक एक जनजाति के बारे में बताया है जो कि हर साल एक भेड़िये में बदल जाती थी और बाद में वापस इंसान बन जाती थी। प्राचीन समय के लोगों का ये मानना था कि भेड़िया मानव श्राप के कारण उत्पन्न होते हैं, मतलब किसी इंसान को श्राप मिला हो कि हर पूर्णिमा की रात पूरे चांद की रोशनी में वो इंसान एक भेड़िये में बदल जाएगा और भूख लगने पर वह सिर्फ मांस खाएगा। दोस्तों, सन 1500 ई के समय में लोगों को मनोविज्ञान और मनोरोग के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। इसी वजह से जो लोग इंसान को पकड़कर उन्हें काटकर उनका मांस खा जाते थे, अक्सर ऐसे लोगों को भेड़िया मानव के नाम से जाना जाता था और उनको मौत की सजाएं भी दी जाती थी। यूरोप के कुछ लोग ये दावा करते हैं कि भेड़िया मानव कब्रिस्तान में दफन की गई लाशों को खा जाता था। हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी, इसीलिए इस बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। दोस्तों, भले ही आज के समय में हम इस बात पर यकीन ना करें कि भेड़िया मानव सच में हुआ करते थे, लेकिन इससे जुड़ी बहुत सी ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जिनमें भेड़िया मानव के होने का दावा किया जाता है। इन्हीं में से एक घटना है। ये घटना है सन 1541 ई की, जब इटली में बहुत से लोग अचानक ही कहीं गायब होते जा रहे थे और हर दिन ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस भी इस केस को सुलझा नहीं पा रही थी कि ये सारे लोग कहां गायब होते जा रहे हैं। फिर काफी मेहनत के बाद पुलिस ने एक किसान को अपने घर में जिंदा इंसान का मांस खाते हुए पकड़ लिया था। उसने कई लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। काफी मेहनत के बाद उस पागल को पकड़ लिया गया था और उसे जेल के अंदर डाल दिया गया। उसके शरीर के बालों की जांच करने के बाद ये पता चला कि उसे एक बीमारी थी जिसमें वह खुद को भेड़िया मानव समझता था और वह मांस के अलावा कुछ भी खाना पसंद नहीं करता था। लेकिन ये कौन सी बीमारी थी, ये बात डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे। वहाँ के कुछ लोगों का ये मानना था कि ये एक भेड़िया मानव है जो कि हर पूर्णिमा की रात को एक भेड़िये में बदल जाता है और उसी समय ये इंसानों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन कानून इन सब बातों को नहीं मानता, इसीलिए उस किसान को फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि वो किसान ऐसा उस बीमारी की वजह से कर रहा था या फिर वो सच में एक भेड़िया मानव था। दोस्तों, ये घटना तो काफी पुरानी है, लेकिन एक घटना और है जो इस ओर इशारा करती है कि भेड़िया मानव सच में इस धरती पर मौजूद थे। ये घटना कुछ सालों पहले की है, जब बल्जेरिया नाम की एक जगह पर एक किसान को अपने खेत से एक बक्सा मिला। उस बॉक्स के अंदर उस किसान को मिली एक खोपड़ी जो कि बिल्कुल किसी भेड़िया मानव की तरह दिखाई दे रही थी। आप खुद ही बताइए, क्या ये खोपड़ी किसी इंसान के सिर के कंकाल की तरह दिख रही है? अगर ये किसी इंसान के सिर का कंकाल है तो उसके सिर को काट कर एक बक्से में बंद करके जमीन में क्यों दफनाया गया? लेकिन अगर सच में ये किसी भेड़िया मानव का सर था तो ऐसा जरूर हो सकता है कि कई सालों पहले गांव वालों ने उस भेड़िया मानव का सर काट कर उसे बक्से में बंद करके जमीन में दफना दिया हो। और ये बिल्कुल रियल फोटोग्राफ्स हैं, जिन्हें देखने पर साफ पता चलता है कि ये किसी भेड़िया मानव के चेहरे के स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे रही है। और दोस्तों, ये एक अकेली नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी खोपड़ियां दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में पाई गई हैं। इससे ये साबित होता है कि शायद इतिहास में भेड़िया मानव सच में हुआ करते थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में धरती पर भेड़िया मानव मौजूद थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो यार, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एक्टोन फैक्ट को और बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।